अब देखिए, ऐसा नहीं है कि राव लाने वाले शिक्षा नहीं ला सकते हैं। जब वो राम को ला सकते हैं तो शिक्षा जाहिर सी बात है वो क्यों ला सकते हैं। छुआछूत इतनी ज्यादा है, सब कहते हैं छुआछूत नहीं ज्यादा है। अब चले जाइए कहीं भी रूम खोजने चले जाइए, यही गोरखपुर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जात पूछी जाएगी। आप बूथ पे कोई और गाड़ी भेज रहे हैं, वहाँ कोई और गाड़ी सबमिट हो रही है, गड़बड़ी तो वहाँ से होगा ना। आप बूथ पे कोई और गाड़ी भेज दिए हैं और गाड़ी का नंबर प्लेट आप नोट नहीं किए हैं, और जो जहाँ गणना होता है, जहाँ बॉक्स जमा होता है, वहाँ दूसरी गाड़ी पहुँच जा रही है बीएम लेके, तो गड़बड़ी तो वहाँ से हो रही है ना सर। योगी जी के आने के बाद ही हुआ है, तो 400 पार हो पाएगी इस बार? 400 पार कह रहे हैं, हो पाएगी 100%? 400 पार हो ना हो, बहुमत तो मिल ही जाएगा ना। सरकार बनाने के लिए 272 जरूरी है, उतना तो मिल जाएगा। पत्ता साफ हो जाएगा किसका? बीजेपी का, विपक्ष का। अरे विपक्ष का कहना काम है, नहीं कहेगा तो विपक्ष कौन कहेगा उनको? विपक्ष का कहना काम है। अगर विपक्ष ये नहीं कहेगा कि सरकार बीजेपी की नहीं आएगी तो क्या कहेगा, बीजेपी की सरकार आएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। जैसा कि आपको पता है, हम देश के अनेक हिस्सों में जाके जमीनी हकीकत देख रहे हैं, वहाँ लोगों से जान रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनावों में लोग क्या सोच रहे हैं, किस आधार पर अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। इसी सीरीज में इस समय हम हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर नौका विहार। हमें बताया गया कि यह क्षेत्र वह है जहाँ गोरखपुर के अनेक क्षेत्र के लोग आते हैं, शाम को यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर बैठ के यहाँ के दृश्यों को देखते हैं, और यहाँ पर राजनीति की चर्चाएं भी खूब होती हैं। इसलिए हमने देर न करते हुए हम पहुँच गए नौका विहार। तो आप यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, रवि किशन या काजल निषाद में से किसे चुनने वाले हैं, एनडी गठबंधन का क्या होने वाला है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, तो लोकल लोगों से हम ज़्यादा इसमें बात करना चाह रहे हैं। तो लोकल में किसका दबदबा है इस बार? काजल निषाद का। काजल निषाद का, हाँ। किस आधार पर आपको लगता है कि काजल निषाद यहाँ पर मजबूत है? इसलिए कि बहुत लोग को देखा गया है इस बार, अब गठबंधन की सरकार को देखा जाए। ये तो योगी का गढ़ है और बीजेपी का गढ़ है, और 34 सालों से यहाँ बीजेपी है, एक बीच की एक साल को गैप को छोड़ दे तो संजय निषाद, प्रवीण निषाद, उनका छोड़ दे तो 34 सालों से बीजेपी, और इस बार क्या ऐसा यहाँ पर है कि काजल निषाद जीतेंगे? इस बार उनका हवा है काजल निषाद का कि गठबंधन यहाँ से निकल जाएगा, अब देखिए क्या होता है आगे। रवि किशन के 5 साल कैसे लगे आप? ठीक है, उनके भी ठीक है, मगर इस समय गठबंधन रहेगा और पूरे देश में गठबंधन ही जीत रही है हर जगह से। और सरकार किसकी बन रही है देश में? गठबंधन की। गठबंधन के। कौन होगा प्रधानमंत्री? अब जिसके अधिक चुन के आएंगे सांसद वही बनेंगे। किसके आने वाले? कांग्रेस के ही ज़्यादा चांस हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अब राहुल गांधी तो देखिए इस बैठक में क्या अपना निर्णय लेते हैं जीतने के बाद, फिर देखा जाएगा। आपको किसके काम अच्छे लगते हैं? आपको लगता है ये पार्टी देश में विकास कर सकती है और इसे जीतना चाहिए? देखिए सर, सबसे ज़्यादा शिक्षा की तरफ हम झुका रखते हैं, और जो पार्टी शिक्षा की तरफ है उसी की तरफ से हम हैं। बिल्कुल, शिक्षा की बात होनी चाहिए, एकदम शिक्षा की तरफ होने हैं हम, मतलब शिक्षा से ही हम, मतलब जो लोग शिक्षा लाएंगे उसी से हम लोग खुश रहेंगे। कौन लाएगा शिक्षा? अब तो राम लाने वाले शिक्षा लाएंगे या दूसरे ग्रुप लाएगा? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि राम लाने वाले शिक्षा नहीं ला सकते हैं। जब वो राम को ला सकते हैं तो शिक्षा जाहिर सी बात है वो क्यों ला सकते हैं। तो अब देखते हैं। यूपी में एक सवाल उठता है, यूपी में काबा, और उसका जवाब गोरखपुर से मिला, यूपी में बाबा। कैसे लगते हैं आपको बाबा? अच्छे लगते हैं, क्योंकि देखिए महिला के प्रति भी वो, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले गोरखपुर में था कि मतलब औरतें सुरक्षित नहीं रहती थी, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से औरतें बहुत सुरक्षित रह रही हैं, और लोग हम लोग वहीं के बगल के रहने वाले हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहता है इससे। विकास किया है यहाँ को? हाँ, गोरखपुर में विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि मतलब विकास नहीं, लेकिन हाँ सर, विकास के साथ साथ शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। क्या क्या कमियाँ रही गोरखपुर में अभी तक की, जो नेता बने, सांसद बने, विधायक बने? नहीं नहीं, वैसे कमियाँ तो हमें कुछ खास दिखती भी नहीं है, और मतलब है भी नहीं, और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है अब। बिल्कुल, आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, तो आप बताइए गोरखपुर में कौन जीतने वाला है इस बार? मैं उसका जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं ये जवाब दे देना चाहता हूँ कि जो मैडम बोली हैं शिक्षा के नाम पर, तो शिक्षा में बदलाव बहुत बड़े बड़े करना चाहिए इन लोगों को। जैसे कि क्या बदलाव करना इन लोगों को? पहले सबसे बड़ी सीख तो दिल्ली से लेनी चाहिए, वहाँ के जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें सब कुछ एक प्राइवेट की ही तरह सब कुछ चल रहा है, उसमें साफ़ सफाई है अच्छे। यहाँ पर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे
वहाँ पर ना तो बच्चों का ड्रेस सही है, ना तो बैठने का तरीका सही है, ना तो टीचर टाइम पे आते हैं। बच्चे जब टीचर टाइम से नहीं आएंगे, कोई भी रूल नहीं रहेगा, तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। और प्राइवेट स्कूल में बदलाव इन लोगों को ये करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी है, ये जो प्राइवेट स्कूल वाले जो लूटते हैं गरीब माँ बाप के, जो बच्चे माँ बाप जो होते हैं जो सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में हम नहीं अपने बच्चों को भेजेंगे, प्राइवेट में अगर दम बनाते हैं तो वहाँ पर इन लोगों को थोड़ा प्राइवेट स्कूल वालों को थोड़ा लगाम लगानी चाहिए। उसमें पढ़ाई कुछ नहीं होती है, उसमें भी नहीं मतलब उतनी अच्छे से नहीं होती है, लेकिन फीस के नाम पर ये चमड़ी उधेड़ लेते हैं माँ बाप की। तो इसमें इन लोगों को बदलाव, ये हमारे जो रवि किशन जी हैं, अगर फिर से सत्ता में आते हैं तो हम इनसे एक ही आग्रह करेंगे कि आप शिक्षा पे पहले ध्यान दीजिए, पहले प्राइवेट सेक्टर के जितने स्कूल हैं। बिल्कुल, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, आज के जो लोग हैं, माता पिता हैं, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते। बात तो करते हैं लेकिन उनको प्राइवेट में ही भेजना चाहते हैं, सरकारी में भेजना नहीं चाहते। देखिए, बात ये आपकी गलत है। सभी लोग भेजना चाहते हैं, क्यों नहीं भेजना चाहेगा इंसान? अगर बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, माँ बाप संतुष्ट हो जाएंगे कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा माँ बाप को कि बच्चे में हमारे पढ़ रहे हैं, अच्छे यूनिफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो सरकारी टीचर हैं वो टाइम से आ रहे हैं, तो माँ बाप क्यों नहीं भेजेंगे? तो आपको लगता है यह शिक्षा में बदलाव कौन कर सकता? बदलाव देखिए, जिसकी सत्ता रहेगी वही करेगा, उसको करना चाहिए। सत्ता में बदलाव चाहते हैं आप? सत्ता में बिल्कुल बदलाव चाहते हैं एकदम। हम सोचते हैं कि बीजेपी की सरकार एकदम ना बने, एकदम गठबंधन की सरकार, इंडिया की सरकार बने। टिकट मिला है, निषाद यहाँ ज्यादा है, 4 लाख के करीब है, तो काजल निषाद को टिकट दिया। सारी पार्टियों में जातिवाद हो रही है, सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है और विपक्ष भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसमें क्या ही कोई कर लेगा। हाँ, ये तो हो रहा है, तो ये देश के लिए खतरा है। जातिवाद जहाँ पे आ गया है तो वहाँ तो खतरा ही है, क्योंकि हमारे संविधान के खिलाफ चला जाएगा। संविधान में जातिवाद, छुआछूत इतनी ज़्यादा है, सब कहते हैं छुआछूत नहीं ज़्यादा है। अब चले जाइए कहीं भी, रूम खोजने चले जाइए, यही गोरखपुर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी जात पूछी जाएगी, आप किस जात के हैं। बिल्कुल, यही मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, जाति वाला मैंने प्रश्न इसलिए किया है। आपने कहा हमको इंडिया गठबंधन की सरकार पसंद आती है, लेकिन उसने अपने दावे में कहा है, न्याय पत्र में कहा है कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम देश में जाति समीकरण कराएंगे और दुनिया को बताएंगे, देश वालों को बताएंगे कि यहाँ कितने जाति वाले कितने लोग रहते हैं। वही पार्टी कह रही है ऐसी बात नहीं। देखिए, जितनी भी पार्टी अपनी घोषणा पत्र जारी करती है उसमें से कुछ तो त्रुटियाँ होती हैं, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, समझ गए ना। तेजस्वी यादव भी उसी गठबंधन के सदस्य हैं और बिहार में उन्होंने जाति जनगणना करवा दी। हम समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव सदस्य हैं, बिहार में जनगणना करवा दी है, लेकिन बात यहाँ से ये खुल के आती है कि देखिए, हर एक पार्टी में त्रुटि घोषणा पत्र में हुई है। बीजेपी का भी आप उठा कर देख लीजिए, उसमें भी घोषणा पत्र में त्रुटि हुई है। देखिए, गोरखपुर का सांसद तो अभी फिलहाल जो टक्कर चल रहा है अभी हैं, वो अपना क्या नाम है, रवि किशन, वो तो है ही हैं फिलहाल विपक्ष में अगर देखा जाए। काजल निषाद, हाँ काजल निषाद, वो भी टक्कर का है इस समय, 50-50 मामला चल रहा है। तो आपकी नीतियाँ किसको, आपको नीतियाँ किसकी पसंद आती हैं, आप किसे वोट देने वाले? हम लोग देखिए बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग सपा को चाहते हैं और निष्पक्ष चाहते हैं। सपा को चाहने वाले तो यहाँ पर मेरे को खूब सारे मिले हैं, जिससे भी बात कर रहा हूँ सपा को देंगे की बात कर रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पाती सपा यहाँ से। 34 सालों से बीजेपी है यहाँ, कैसे जीतेगा? आप हर जगह देख रहे हैं, अभी जो आप सुल्तानपुर का मामला देखे हैं, EVM पकड़ा जा रहा है, तो हर जगह EVM का खेल है। तो आपको भी लगता है कि EVM हैक होती है देश में और चुनाव नतीजे पलटे जाते हैं उससे? हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग ने तो वहाँ पर सबके सामने EVM मशीन रख के कहा कि इसमें गड़बड़ी करके दिखाओ, हम नहीं करवाएंगे इससे चुनाव। गड़बड़ी वहाँ बैठे बैठे थोड़ी होगा, आप बूथ पे कोई और गाड़ी भेज रहे हैं, वहाँ कोई और गाड़ी सबमिट हो रही है, गड़बड़ी तो वहाँ से होगा ना। आप बूथ पे कोई और गाड़ी भेज दिए हैं और गाड़ी का नंबर प्लेट आप नोट नहीं किए हैं, और जो जहाँ गणना होता है, जहाँ बॉक्स जमा होता है, वहाँ दूसरी गाड़ी पहुँच जा रही है EVM लेके, तो गड़बड़ी तो वहाँ से हो रही है ना सर। अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी जीत रही है, ऐसा फुल मानना है आपका? जीत हमें टक्कर से जीत रही है इस बार। योगी के आधार पर, योगी जी क्या अच्छा लगता है योगी जी के कामों से? आप बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत सारा गोरखपुर में इतना डेवलपमेंट किया है, बाकी रही सुरक्षा की बातें, वो सब भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो उन्होंने यहाँ का मेंटेन कर रखा है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इस बेस पे हम उनको देंगे। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं ना कि हमारा सांसद भी बेहतर काम करे, और रवि किशन, तो लोगों का आरोप है कि वह ज़्यादा मुंबई में रहते हैं, यहाँ आते नहीं हैं।
अब ये आरोप है लेकिन काम तो हो रहा है ना, वो सांसद के थ्रू हो या योगी जी के थ्रू हो, हमें तो काम से मतलब है, तो काम हमारा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। हम तब उनको तब ब्लेम करते जब हमारा काम नहीं होता है, हम उस बेस पे उनको ब्लेम करते। मेरा नाम सोनू सोनकर है। सोनकर साहब, क्या होने वाला है इस बार? इस बार जो है बीजेपी साफ है। बीजेपी साफ है एकदम, मतलब चमक रही है या पूरी साफ है? पूरी साफ है, क्योंकि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, किसको नौकरी मिला? नहीं मिला ना, मिला कि नहीं? ये तो आप बताओगे, हमें तो नौकरी, हम तो कर ही रहे हैं, आप लोग बताएंगे। और दूसरी बात यह है, वो युवाई इतने परेशान है, गोरखपुर का पूरी जनता परेशान है, ठेला वाले जितने लोग लेके आ रहा लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, सबको भगाया जा रहा है, ये क्या तरीका है? नौकरी भाई, बिल्कुल नौकरी का इश्यू है और बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर हैं। तो इस बार काजल निषाद जीत रही हैं यहाँ से, एकदम निकाल रहे हैं सीट पूरे जो है। निषाद जो है, निषाद का जो है यहाँ पे 5 से 7 लाख वोट है, पूरे लोग दे रहे हैं उनको, 4 लाख से ज्यादा वोट है निषाद के। आप सहमत है इनकी बातों से? इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है? बिल्कुल नहीं सहमत है भाई। क्यों? आज नहीं, कभी भी, आज के 10 साल बाद भी कभी नहीं जीतेगी, क्योंकि 10 साल बाद भी नहीं जीतेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि हमारा घर बनाया जाता है, बिगाड़ता नहीं जाता है, बिगड़ चुका है घर, बिगड़ा नहीं है। आप बताइए इनको, बताएं क्या इनको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे राष्ट्रीय स्तर पे, यहाँ पे देख लीजिए, हम लोकल के हैं, यहाँ के सब जानते हैं, और यहाँ पे आप खुद देखते हैं, नौका विहार पे आप खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में, इससे पहले 10 साल पहले कोई यहाँ पे इस टाइम खड़ा नहीं होता था। बताइए कि यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हो ये? मैं बता रहा हूँ, इनका जो है पहला पहचान चंपा देवी पार्क, कौन बनवाया, कौन बनवाया बताइए? योगी जी बनवाया, और कौन बनवाया? आपकी बातें झूठे हैं। कौन बनवाया था बताइए? पहले मायावती जी, उसको सुंदरीकरण किए अखिलेश यादव जी, दूसरी बातें। और तीसरी बात ये है, अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? नौकरी सबको मिल रहा है, ये खाने को नहीं देगा 500 रुपया। सुनिए, वो लोग कह रहे हैं आइए कुरुस में बैठ जाइए 500 रुपया में, 500 रुपया आपके पास है कि मेरे पास है? बताइए, नौकरी नहीं मिल रही है कह रहे हैं किसी को भी? जो सक्षम है आप, जो सक्षम है, योग्य है, तो आपको नौकरी मिल रही है? आप एक नौकरी ये बता दीजिए कहाँ पे मिला है? बहुत जगह मिला है, हर जगह मिला है। ऐसे ही बात करें ना, तभी तो नौकरी का कहाँ मिला बताइए, कहाँ मिला? तो यूपी में काबा तो बहुत चला था, यूपी में काबा आपके हिसाब से? यूपी में सब बा, जो काबा जो चाहिए जनता को काबा, बेरोजगारी बा, बेरोजगारी है, बेरोजगारी बा भाई, आप उस सक्षम ने कहा बेरोजगारी? यूपी में काबा का जवाब है बेरोजगारी बा, यूपी में सब बा, यूपी में क्या बा? यूपी में जो चाहिए आम जनता को, चाहे हम जैसे नागरिकों को, हर चीज है यहाँ सुविधा, यूपी में सब कुछ है भैया, किस चीज की कमी है आज की डेट में यूपी में? हर चीज तो अवेलेबल है, सब कुछ देख रहे हैं, ऐसी रौनक आपको कहाँ मिलेगी यूपी के बाहर? तो एक क्षेत्र है ना यूपी में, अनेक क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ नहीं हो पाया है, इसलिए पूछा जा रहा है। यूपी में हर जगह हुआ है भैया, जहाँ जैसा क्षेत्र है वैसा ही विकास हो रहा है। गोरखपुर बड़ा क्षेत्र है, ज़्यादा विकास हो रहा है, कोई छोटा क्षेत्र है वैसा विकास हो रहा है, विकास डेवलपमेंट हर जगह पूरा हो रहा है। तो गोरखपुर में एक बड़ा नारा फेमस रहा एक समय में, अभी भी लोग कहते हैं गोरखपुर में रहना होगा, योगी योगी कहना होगा, इस बात से सहमत है या अफवाह है? यह अफवाह है, योगी जी थोड़ी कहते हैं कि मेरा नाम लेके ही गोरखपुर में रहो, लेकिन कहते हैं अगर नहीं लेंगे तो डर लगती है हमको। किसको? लोग कहते हैं, योगी जी थोड़ी खुद कहते हैं कि गलत बात है, नारे बहुत से लगते हैं, और बहुत से नारे ऐसे लगते रहते हैं यार, कांग्रेस के भी अपने नारे लगते हैं उनके क्षेत्र में, योगी जी के भी उनके क्षेत्र में लगते हैं, हर किसी के नारे उनके क्षेत्र में लगते हैं। तो योगी जी के काम आपको बहुत अच्छे लगते हैं? बहुत बढ़िया काम है, सारा योगी जी के आने के बाद ही हुआ है। तो 400 पार हो पाएगी इस बार? 400 पार कह रहे हैं, हो पाएगी? 100% 400 पार हो ना हो, बहुमत तो मिल ही जाएगा ना, सरकार बनाने के लिए 272 जरूरी है, उतना तो मिल जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा। किसका? बीजेपी का, विपक्ष का? अरे विपक्ष का कहना काम है, नहीं कहेगा तो विपक्ष कौन कहेगा उनको? विपक्ष का कहना काम है, अगर विपक्ष ये नहीं कहेगा कि सरकार बीजेपी की नहीं आएगी तो क्या कहेगा, बीजेपी की सरकार आएगी? विपक्ष को दाजी जी आपसे बात करेंगे तो बुजुर्गों पे विशेष ध्यान दिया जाता है ना, और बुजुर्गों की बात की जाती है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए जो बुजुर्गों का ध्यान रख सके? सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी। मोदी जी की ही बनेगी? बुजुर्गों के लिए क्या कुछ बेहतर किया है उन्होंने? बहुत कुछ किया है, स्वास्थ्य बीमा दिया है, किसानों के लिए पैसा दे रहे हैं, हर तरफ से, मतलब बुजुर्गों का, बच्चों का,
औरतों का हर सबका विकास हुआ है, सबके लिए अच्छा किया मोदी जी और यूपी में योगी जी। मोदी और योगी की जोड़ी जम रही है। जम रही है। तो बुजुर्गों का वोट कहाँ जाने वाला है इस बार? देखो ये तो मैं बचपन से ही बीजेपी को, मतलब जनसंघ था तो जनसंघ को दिया, इसके बाद जो भी पार्टी बनती गई बीजेपी की या जनसंघ की या जनता दल की, जब जब चाहे वाजपेयी जी थे चाहे ये बने थे, अरे उनका क्या नाम है, किनका, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, चरण सिंह जी, सबको हम लोगों ने वोट दिया। मतलब आप जब भी वोट देते हैं बीजेपी या उससे जुड़े हुए जनसंघ जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को वोट देते हैं? बचपन से लेकर आज तक देते हैं और अभी आगे भी बदल गया। आपने तो बहुत लंबी जर्नी देखी है इस देश की। बहुत बदल गया है और बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा होते जा रहा है, हर क्षेत्र में हर विभाग में हर तरीके से अच्छा होता जा रहा है। जो इंडिया की गठबंधन है उसकी सरकार बने, ये हम लोग चाहते हैं। हम लोग सारे युवाओं की यही मांग है, जितने भी अधिकतर युवा हैं सबकी मांग है, क्योंकि हम लोग त्रस्त हो गए हैं, पेपर लीक से त्रस्त हो गए हैं हम लोग, वैकेंसी ना आने से त्रस्त हो गए हैं हम लोग। बिल्कुल, ये दुख है युवाओं का। एक तो पहले यहाँ वैकेंसी आती नहीं है, अगर आती भी है तो पेपर लीक हो जाते हैं जिसके कारण पेपर रद्द हो जाता है और इनको भटकना पड़ता है, नौकरी नहीं मिल पाती है। ये उत्तर प्रदेश की भी एक बड़ी समस्या है। तो भाई हमारे साथ थे तो आपसे बात करते हैं, आप भी यहीं पर रहिए। क्या नाम हुआ आपका? इसरावती। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से। तो महिलाओं के लिए गोरखपुर में क्या कुछ किया है बीजेपी सरकार ने अभी तक? नहीं, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? नहीं, 5 किलो राशन दे देता है। तो आप 5 किलो राशन से खुश हैं? नहीं खुश हैं। 160 रुपये, 170 रुपये दाल है, 140 तेल है, बताइए। वो फ्री राशन दे रहे हैं, वो हमारा पैसा ले करके दे रहे हैं राशन, अब बोलते हैं 5 किलो राशन देते हैं। हम लोगों को राशन नहीं। जो देश की महिलाएं हैं कहती हैं कि मोदी ने इतने दे दिया, उज्ज्वला गैस सिलेंडर दे दिया, 5 किलो राशन दे दिया। नहीं मिला, हम तो अपना कमाई से लिए हैं सिलेंडर, हमको नहीं मिला है। हाँ, आपको नहीं मिला? नहीं जी, हमको नहीं मिला है। एक चीज़ क्या है? तो आप बदलाव चाहते हैं इस बार? और क्या, बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल, बैठ जाइए आप भी, ताकि मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बदलाव इसलिए चाहिए, आप जा करके अधिकतर जितने भी उज्ज्वला के अधीन जितने भी सिलेंडर बटे हुए हैं, 10 घर आप जाके पता करिए। 10 घर में से अगर 8 घर का सिलेंडर आपको खाली ना मिले तो आप कहिएगा। वो सिलेंडर तभी भरे जाते हैं जब दिवाली पे ये लोग फ्री देते हैं, वो सिलेंडर तभी भराए जाते हैं जब होली पे ये लोग फ्री देते हैं, अन्यथा वो सिलेंडर खाली ही रहते हैं और लकड़ी लगा करके खाना बनाया जाता है। ये सरकार की एक योजना है, लक्ष्य है कि हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, सभी लोगों की आय को दुगनी कर देंगे और वह खुद भरवा लेंगे। बॉर्डर पे किसान ही आय को दुगनी करने की मांग रहे थे, उनके ऊपर गोला बरसाया गया, फायरिंग किया गया, जिसमें से कुछ किसान मर गए बेचारे। अनेक लोग मिले हैं, हमने यहाँ पर विस्तार से कवर किया और देखा कि यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पर आप पीछे दृश्य देखिए, कितना सुंदर लग रहा है नौका विहार का। लोग यहाँ रोज शाम को आते हैं और यहाँ आके थोड़ी चुनावी पर चर्चाएं भी करते हैं, आपस में बैठते हैं, सुकून की ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि शहरों में ऐसी सुकून की ज़िंदगी कम मिल पाती है। तो ऐसे ही हम देश के अनेक हिस्सों में जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो में जा रहे हैं। हम स्टूडियो में बैठ के वहाँ के राजनीतिक समीकरण की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, यहाँ के लोग किस आधार पर वोट देने के लिए जाएंगे, उनके क्या इश्यू हैं, वह बीजेपी सरकार से खुश है या नहीं, वह इंडिया गठबंधन की सरकार को क्यों चाहते हैं, अगर बीजेपी जीतती है तो उसकी सरकार को क्यों चाहते हैं। मतलब जो कुछ भी बात है जनता के मुंह से है, हम अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, इसलिए हम ग्राउंड जीरो में जा रहे हैं।